चलिए बात हो रही है छोटी सरकार की और वोटिंग प्रतिशत देखिए, आप देखिए किस तरीके से जो लगातार वोटिंग प्रतिशत है वो यहां पर बढ़ता जा रहा है अलग अलग जगहों पर, जहां पर आज ये वोटिंग जो है जिला परिषद को लेकर वो हो रही है, ब्लॉक समिति को लेकर हो रही है, और कुल कितने उम्मीदवार पहले चरण में महिलाएं और पुरुष कुल मिलाकर हैं उनकी एक काउंटिंग आपको हम यहां पर टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो दोनों ही आप देख सकते हैं स्क्रीन के दोनों ही साइड पर जो व्यवस्था है वो इस कदर की गई है ताकि आपको वक्त रहते ये भी पता चल सके कि आज जहां पर वोटिंग चल रही है वहां पर कितना वोट प्रतिशत जो है वो हो गया है। और बड़ी जानकारी भी आपको साथ ही साथ हम देते चल रहे हैं कि पहले चरण के लिए जो वोटिंग है वो चल रही है, पहले चरण में 9 जिलों में ये वोटिंग जो है वो हो रही है, कौन कौन जिलों में कहां कहां कितने पुरुष कितने महिला मतदाता वोटर्स यहां पर जो सदस्य है समिति के वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो 9 जिले में अब तक सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वोट फीसदी में दूसरे नंबर पर पंचकुला, पहले नू, दूसरे नंबर पर पंचकुला, भिवानी और महेंद्रगढ़ में सबसे कम मतदान हुआ है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नू में अब तक 32% से ज्यादा मतदान, यानी सबसे ज्यादा मतदान पंचकुला में 30% से ज्यादा मतदान जो है वो हुआ है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब तक 13 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने वोट जो है वो कास्ट कर दिए हैं, बड़ी खबर। जिला परिषद पंचायत समिति के लिए वोटिंग हो रही है 9 जिलों में और सभी पोलिंग बूथ्स पर सुरक्षा का घेरा जो है वो बढ़ाया गया है। पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं यहाँ पर। तो पहले चरण में 9 जिलों में वोटिंग जो है वो हो रही है और जानकारी यहाँ पर आपको दे दें कि अब तक करीब 26% मतदान हुआ है। जी हाँ, जानकारी आपको यहाँ पर दे रहे हैं, नू जिले में अब तक सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, यानी जहां पर सबसे ज्यादा मतदान होता है उसे बदलाव के रूप में भी जरूर देखा जाता है। और ये चुनाव जब भी जनता के सरोकारों से जुड़े होते हैं और खासकर उन बुनियादी चीजों से जुड़े होते हैं जो कि जनता को चाहिए ही चाहिए, वाकई में ये साबित करता है यहाँ पर कि कितना ज्यादा जो वोटर्स हैं वो उत्सुक यहाँ पर दिखे हैं। जाहिर तौर पर विकास के नाम पर यहाँ पर वोट मांगा गया है, विकास के नाम पर वोट यहाँ पर वोटर्स जो है वो दे रहे हैं और सबसे ज्यादा इसमें इस कड़ी में आगे है नू, उसके बाद पंचकुला, लेकिन भिवानी महेंद्रगढ़ में आपको बता दें कि सबसे कम जो वोट है वो पड़े हैं। तो बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है, शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी, पहले चरण में 9 जिलों में वोटिंग जो है वो हो रही है, बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर दे रहे हैं। अब तक करीब 26% मतदान जो है वो हुआ है, तो नू जिले में अब तक सबसे ज्यादा मतदान हुए हैं, पंचकुला दूसरे नंबर पर बना हुआ है, वोट फीसदी में दूसरे नंबर पर पंचकुला बना हुआ है। और आपको जानकारी यहां पर दे दें कि भिवानी और महेंद्रगढ़ में सबसे कम मतदान हुआ है, ये फिलहाल अब तक की अपडेट जो है वो हम आपको दे रहे हैं पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई, लेकिन नू इस बीच टॉप पर बना हुआ है, टॉप पर नू बना हुआ है, उसके बाद पंचकुला जहां पर वोट प्रतिशत जो है उसमें भारी इजाफा यहां पर हो रहा है। लेकिन आपको लगातार हम बता रहे हैं कि कितना जो ज्यादा वोटिंग प्रतिशत है वो यहां पर हर एक जिले में, 9 जिले हैं जहां पर वोटिंग हो रही है वो बनता जा रहा है। तो भिवानी जिले में अभी भी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है, जनता टीवी के संवाददाता दीपक मुटरेजा ने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदान प्रक्रिया का जायजा लिया। भिवानी में 22 जिला परिषद व 114 ब्लॉक समिति के चुनाव बहुत तरीके से भिवानी के अंदर चल रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से मतदान जो है वो किया जा रहा है। भिवानी के पालुवास के अंदर हम फिलहाल करें, आप देख सकते हैं इस तरह से वोटिंग जो फिर जो है लाइनें लगी हुई है, लोग जो है शांतिपूर्ण अपने मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएँ की गई है प्रशासन की तरफ से, जो लाइट की बात की जाए तो लाइट की व्यवस्था भी है, साथ ही जो वोटिंग है वो लोग हैं लाइनों में लग करके यहाँ वोट डालने के लिए आ रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की बहुत दिक्कत ना हो। यहाँ कुछ लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे पूछ लेंगे सर इन मुद्दों को लेकर के यहाँ वोट करने के लिए आप आए, क्या मुद्दे हैं आपके गांव के, आप यहाँ आए। हमारे मुद्दे यही है कि गाँव में साफ सफाई हो, शिक्षा का सही व्यवस्था हो, लाइट पानी की व्यवस्था हो और युवा व्यवस्था बिल्कुल युवाओं की जो बात है कि लाइट की व्यवस्था हो, शिक्षा के मुद्दे हैं, सर आप क्या क्या युवा है, ठीक ठाक क्या मुद्दे हैं आपके गाँव के, किन मुद्दों को लेकर के आप होना चाहते हैं। और दूसरा जो अधिकारियाँ हैं वो तो नजर बीमारी को समझ नहीं रही हैं, तो हमारे जो युवा वर्ग हैं जो आगे आ रहे हैं इलेक्शन में, तो आगे जो है वो मतलब शिक्षित हैं, सबसे बड़ी बात है कि शिक्षित हैं वो, ताकि मुद्दों को वो भी समझते हैं और अधिकारियों को समझा पाएंगे और इससे जो विकास की जो लहर है वो दूर तक चली जाएगी।
बिल्कुल जिस तरह से युवा बोल रहे हैं कि जो शिक्षित लोग हैं उन्हें ही वो वोट कास्ट करेंगे ताकि आगे जा करके वो अधिकारियों से भी बात कर सकें और आगे जो है वोट दे सकें। एक महिला भी यहाँ पर बैठी है, मैडम आप क्या कहेंगे इन मुद्दों को लेकर के आप वोट डालने के लिए यहाँ आई हैं, आप गाँव पालवा चुके हैं, क्या कहेंगे, क्या मुद्दे हैं? जो हमारे जो आज बने मेगा लैंडर पढ़े लिखे बने, जो कि वो नई युवा पीढ़ी के बारे में कुछ अच्छा ही सोचे। जो बिना पढ़े लिखे बन जाते हैं वो तो पुराने ख्यालों में ही जीते रहते हैं, और जो नए पढ़े लिखे बनेंगे वो हमारी भावनाओं को समझेंगे और कुछ ना कुछ नया जीवन में परिवर्तन। बिल्कुल नया परिवर्तन जो है यहाँ पर आएगा। मैडम भी यहाँ पर है, पुलिस अधिकारी है, मैडम आज महिला भी है, पुलिस अधिकारी भी है, महिलाएं भी हैं, काफ़ी संख्या के अंदर वोट डालने दी जाती है, क्या कहेंगे आप, कितनी महिलाएं जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर वोट डालने के लिए आएँ, और सुरक्षा की बात की जाए तो किसका व्यवस्था है पुलिस के द्वारा? इसके द्वारा तो सुरक्षा बहुत ही की गई है, और महिलाओं का ये है कि महिलाएं बात निर्भर हो चुकी हैं। पहले महिलाएं क्या था, उनको वोट डालने का अधिकार ही नहीं था, महिलाएं अपने घर में ही रहेंगे, अपने चूल्हा चौका जो भी है घर परिवार का ही कार्य है, अपने बच्चों को संभालती थी। आज की महिलाएं बिल्कुल ही अपने आप पे आत्मनिर्भर हो चुकी हैं, और घर के काम के साथ साथ वो अपना सामाजिक रूप से भी, अपने नौकरी पेशे को भी, और अपने सामाजिक रूप से अपनी जो जिम्मेवारियां हैं उनको निभाते हुए, उनके जो मौलिक अधिकार हैं या जो सरकार की तरफ से उनको जो अधिकार दिए गए हैं उनको उनको ज्ञान हो चुका है, और पुरुषों के अब वो अपने कंधे से कंधा मिला। तो ये स्पेशल रिपोर्ट आपने ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता की देखी कि भिवानी में फिलहाल किस तरीके की स्थिति जो है वो बनी हुई है। छोटा सा